हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो पुनीत सिंह व्लॉग्स। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी चलते हैं बैटरी पता करने के लिए। आ चुका है तो मैं चल तुम मेरा एक काम ही करो। तो गाइस, कल चाचा घर से लड्डू मिले थे, मतलब जो बाद में आए थे उन्हें लड्डू भी मिले थे, सबको ही मिले थे ऐसे तो जहाँ तक है। तो चलो अभी ये लड्डू ट्राई करते कैसे है। श्री राम स्वीट्स कौन रहा? चलो भाई खाओ, एक एक खाओ। हाँ तो भैया पूरा खाऊंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी 11:40 हो रहे हैं, अब आ रहे हैं जब से 9:30 का क्या आया था और फाइनली अब आ रहे हैं। 10 बजे फोन करा मैंने, जब 2-4 बजे उन्होंने करा, जब आ रहे हैं अभी भी निकले हैं दुकान से। अभी 5-10 मिनट इधर आने में लगेंगे। चलो फिर मैं चलता हूँ इतने और आपको दिखाता हूँ गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी, सब कुछ करके दिखाऊंगा कैसे क्या हो रहा था। और घर वाले पहली वाली बैटरी ये रखी, मैं उसी बैटरी में से करके दिखा दूंगा आपको, देखना। भाई बंदा पार्किंग में पहुंच गया, मैं कहा यार पार्किंग में थोड़ी है, गाड़ी इधर है, वो पूछते पार पहुंच गया, मैं इधर खड़ा हूँ। तो चलो अब आवा भैया, चलो इधर वहाँ में पहले चेक करेंगे। पेड़ काटने वाले आ गए हैं MCD से। खोलो गाइस, बैटरी लग गई है और अब देखो गाड़ी वैसे खोली थी आज से, अब देखो स्टार्ट करूँगा। लाइट आ गई है सारी, क्रेज दबा लिया फिर भी गाड़ी स्टार्ट ना हो। चाबी बाहर है, गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही। ना हो रही गाड़ी अनलॉक ही ना हो रही है, देख लो ना गाड़ी अनलॉक ना हो रही। वैसे तो करंट आ रहा है क्या? वही ना जी, सो गाइस जब भी नहीं खुली गाड़ी, बैटरी लगाने के बाद भी अब पता लग गया बैटरी में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है। तो अब चलो चलते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाता हूँ। सो गाइस, इतनी दोपहर में पैदल घूमना पड़ रहा है, अब आप देख सकते हो अब जा रहा हूँ। अगर इस तोतले ने नंबर नहीं दिए, ये सुसरा पता क्या करता है, 1,500 रुपये खा लेता है, खुद खुद काम करता नहीं है, खुद बीच में खा लेता पैसे। ये तो मैं तो जूता भी है अभी मान ले तो तल में लिता डाली तो चला। एक बार ना गाइस हमारी गाड़ी में ना डीजल की जगह पानी भर दिया, ठीक है हैं। आज उसी को निकालने के लिए 4,500 रुपये लिए सुसरे ने, इतने में तो बोला इतने माले चला और सुसरे ने खुद कुछ ना करा। चलो भाई पहुँच गया, बस थोड़ा सा और है आगे, फिर इलेक्ट्रीशियन का नंबर दे ही नहीं सुसरा, बहुत हराम ही है वैसे तो, पता मुझे ना देने का, दे देगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। चलो भाई चलते हैं, देखता हूँ इधर पटा लूँगा इसकी बहू है। तो गाइस अभी अभी घर पाया हूँ, 1:30 बज रहा है और अभी बात करके आया, मैं इलेक्ट्रीशियन का नंबर दे तो यूँ कह रहा भाई देख ऐसी बात है, तू इधर किसी से मत करवा, जो मैं तेरे से करूँ वो कर, तू सीधे जा कश्मीरी गेट। अब कश्मीरी गेट गाइस, मैंने कहा कश्मीरी गेट से के आ जाएगा बंदा, यूँ कह रहा नहीं। तो मैं कहा फिर क्या यूँ कह रहे हो कश्मीरी गेट होगी गाड़ी थी, क्यों कह रहे सेंटर लोग काम है इसमें, कोई हाथ नहीं डालेगा इधर वाला बंदा। मैंने कहा वो भी नहीं यार, कोई नहीं डालेगा इसमें, डालेंगे टाटा शोरूम वाले, हर कश्मीरी गेट में वो है मोहन नाम का, कोई बंदा डाल सकता है और कोई भी नहीं डाल सकता इसमें, इस गाड़ी में आज क्योंकि है सेंटर लॉकिंग टाटा की, ये हमारी है फिटिंग, मतलब टाटा की फिटिंग है, हमने अलग से लगवाई है, हमारी फिटिंग हुई भी आई है, इस वजह से कोई हमारी गाड़ी में हाथ नहीं डालेगा। यूँ कह रहा मैं भी नहीं डालूंगा तुम्हारी गाड़ी में हाथ कि मैं सही कर दूँ ये हो जाए, नहीं यूँ कह रहा मैं नहीं डालूंगा ये तुम्हारी गाड़ी में हाथ कि मैं ठीक कर दूंगा। मगर चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा मगर गाड़ी कैसे लेके जाऊँ, यूँ कह रहा मैं स्टार्ट कर दूंगा तेरी गाड़ी। अच्छा जी हाँ बस स्टार्ट हुई ना, यूँ कह रहा हाँ, यूँ कह रहा गाड़ी लॉक कर, यूँ कह रहा वो मेरी आइडिंग है। अच्छा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मगर लो 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 करता रह गया ना, ये मेरी आदत है। मैं कहता लो तो फिर बताओ, मैं कह रहा गाड़ी मैं स्टार्ट करके दूंगा, तो मैं पता है मेरी आदत है बकवास करने की, मैं बकवास करने में चीप होगी उससे। फिर एक दो अंगर और मैं फिर पापा की बात चलने लगी कि पापा नहीं आए घने दिनों से, फिर एक और अंकल है बाइक सर्विस वाले साइड में, उनसे बाइक सर्विस करवाते तो वो कहने लगे, फिर पापा की बात करने लग गए थे, पापा के कुछ पहले की बात थी, फिर वो बात करने लग गए थे, फिर उसमें टाइम पास करता गया उनका,
फिर मैं हजार रुपये भर दूँ। मैं कह रहा हाँ चल तुम्हें दाल तल मैं तीता तर दूंगा। मैं कहा 1000 रुपये ले जाओगे गाड़ी स्टार्ट करने के? मैं कहा तुम ऐसी बताओ इधर से ही, मैं गाड़ी दूर खड़ी है। मैं कह रहा पैदल आयो? मैं कहा हाँ, मैं बाइक पे ना, बाइक पे अगर बाइक पे जाते तो आते साथ में। मैं कहा पैदल आयो? मैं कहा चलो। मैं कह रहा गाड़ी कहाँ खड़ी है? मैं कहा दूर खड़ी है, दूर बहुत दूर गाड़ी आ रही, इधर ही है थोड़ी सी दूर है। मैं कहा चल ठीक है। फिर यूँ कह रहा चल, यूँ कह रहा मैं तो जा रहा हूँ घर 2 बजे। यूँ कह रहा जो मैं तुझे बता रहा हूँ वो कर लियो। फिर उन्होंने मुझे बता दिया गाड़ी कैसे स्टार्ट होएगी, अब मैं वो करके देख लूँगा। मतलब उन्होंने मुझे बता दिया। यूँ कह रहा तुम्हें सेंट्रल लोन की कोई ज़रूरत नहीं है, तू गाड़ी स्टार्ट कर मोनू के लिए जा कश्मीर गेट में, वो तेरे को ना करे तो फिर बताइए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है उसमें। मैं कहा चलो भाई ठीक है। यूँ कह रहा अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो तो बता, अगर ना हो तो मैं करूँगा ओवरऑल। लाइट बंद, बैटरी उठाओ क्योंकि बैटरी लगानी है, पहले फ्यूज चेक करने सारे, उसके बाद में वो काम करना है जो बताया है। तो गाइस मैं गाड़ी में तो बैटरी रख गया था और अभी स्टार्ट करके देखते हैं वैसे जैसे उसने बताया है। पहले बैटरी लगाओ, फ्यूज चेक करो सारे। चलो भाई शुरू हो जाओ मिनट से पहले। वाइड एंगल भी बन रही है कि वीडियो है भाई यार। चलो कोई ना, कोई स्क्रैच आ रही है इस पर तो चले जाएंगे ना। चाबी इनसे लग गई, ओके चाबी से लग रही स्क्रैच। चलो भाई बैटरी तो यार इसके, चलो भाई। तो गाइस बैटरी फिट कर दी और अब चाबी लगा के देखते हैं कि इग्निशन आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके हॉर्न, अरे यार हॉर्न नहीं बज रहा, ऐसा क्यों? हॉर्न का तार देख लेंगे, वो तो बाद में सेल्फ नहीं ले रही भाई गाड़ी। नहीं हो रहा भाई कुछ भी नहीं हो रहा। आप करते फ्यूज चेक, ये रहे गाड़ी के फ्यूज सारे। गाइस देखते रहो कैसे फ्यूज चेक करते, वो भी बताऊंगा, मुझे तो पता है। देखो गाइस ये तो मैंने नीचे खींच लिया, इधर एक नट, इधर एक नट, अरे ये जो तार है सारे इसी के हैं, हैं। और अब तो ये मैंने नीचे खींच लिया है, ये देखो इधर लटक गया, इधर ये आ गए सारे। भैया गाइस बहुत भारी काम है ये, भैया जो पैसे लेता है ना वो बंदा ऐसे ही नहीं लेता भाई। ये देखो आपको पीछे से दिखाऊँ तो, ये देखो भैया बंदा पैसे लेता है भैया। वो देखो बंदा ना अगर एक तार जोड़ता है ना, वो एक तार जोड़ने के पैसे नहीं लेता, बंदा 1000 तारों में से एक तार जोड़ रहा है उस चीज के पैसे ले रहा है एक्सपीरियंस के। ऐसी बात नहीं है, एक्सपीरियंस मैंने बहुत ले रखा है, मुझे पता है। मैं पता है जब भी गाड़ी ठीक होने जाती है ना गाइस, सच बता रहा हूँ अपनी बात, आप भी ऐसे ही करे करो जिसे ना पता हो, ऐसे ही करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी गाड़ी में कुछ छेड़खानी कर रहा है ना, ऊपर खड़े होकर देखो क्या कर रहा है बंदा, कैसे कर रहा है, क्या चीज का क्या काम कर रहा है। मैं ऐसे देखता हूँ, पता है क्यों? इससे एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है ना, तो यही नहीं कि गाड़ी चलानी आती है, आती है नहीं, ठीक भी करनी आती है थोड़ी बहुत। अब हमारी गाड़ी है, गाड़ी की सर्विस नहीं होने जाती, हम करते हैं 2 बार से खुद कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ, 2 बार खुद कर ली सर्विस, अब तीसरी होएगी वो होगी 5000 के बाद। चलो तो ही अब करो, इतना ज्ञान बहुत है, देखे करो क्या चीज क्या बंदा कर रहा है। अब ये जो ये तार है, हैं ये इंडिकेटर का है बाहर का, हैं जो साइड में फेंडर इंडिकेटर होता है, तो ये उसका तार है, मैंने देख लिया जोड़ते हुए, फिर मैंने दोबारा अपने आप कर दिया। सो गाइस अब बहुत से बंदे कह रहे होंगे फ्यूज कैसे चेक करते हैं, सिंपली इधर से निकाला है, अरे ये टूट गया, कहाँ गया, ये पड़ा मेरे पैर के नीचे, चप्पल के नीचे। और ये क्या कैसे करती है देखो, ये एक मिनट फोकस नहीं हो रहा, ये देखो ये चीज़ जुड़ी हुई है ना इनकी, ये चीज़ बीच में ये जो है ये चीज़ जुड़ी हुई है, अगर ये टूटी हुई होती तो मतलब ये फ्यूज़ है, तो ये नया डालना पड़ता। अभी ये फ़िलहाल ठीक है, तो अब इसे जहाँ से निकाला है इसे वहीं वापसी लगा दो ऐसे करके, फिर ऐसे दूसरा निकालो, फिर इसे यहाँ से जहाँ से निकाला है वहीं पर लगा दो। ये नहीं कि जगह चेंज कर दी, जगह मत चेंज करना गाइस, इन पे नंबर भी लिखे रहते हैं, ये भी ठीक है ऐसे रहता है,
ठीक है, और इनकी जगह चेंज मत करना। अब जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि शुरू में है 20, 20, 5, 30, 20, ऊपर वाले फ्यूज है हैवी फ्यूज, मुझे जहाँ तक है इनमें से फ्यूज होना चाहिए। ये है डाटा फ्लैशर, डाटा प्लेसर, अभी देखते इसे भी चेक करेंगे, अभी बाद में करेंगे, ऊपर वाले पहले नीचे वाले चेक करने चाहिए, हमें तो छोटे उसके बाद में ऊपर वाले चेक करने चाहिए। तो चलो चेक करते फिलहाल। मार्शल तो तले को बुलाना ही पड़ेगा यार। चलो कोई ना भैया, ले जाएगा 100-200 रुपये, और क्या होएगा, कोई बात ना भैया, तुम करो यार, मोज ले हो तुम भी, क्या हो गया यार, किससे पाला पड़ा, नहीं हो रहा। सो गाइस, अभी तो हुई नहीं है गाड़ी ठीक, गाड़ी अंदर तक पूरी पूरी पड़ी है, तोतले को छोड़ दिया है वापसी, बैटरी दिया है चार्जिंग पे, 2 साल खराब है बैटरी से, फिर भी दिया है। तो चलो बैठा हुआ हूँ एक आध मैकेनिक से और पूछ लूँ क्या हिसाब किताब बताता है, तोतला तो सीधा बोल रहा है, बाद में बताऊँगा, पहले कर लूँ गाड़ी ठीक, उसके बाद में पैसे। गाइस, मैं अभी दोबारा घर पर आया था, और अभी लेते हैं पानी की बोतल और खाते हैं चावल, पहले भी खा के गया था और अब भी खा रहा हूँ। और जब मैं बता रहा था ना कि मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूँगा, वो पता है क्यों नहीं हुई, गाड़ी की वायरिंग में दिक्कत हो रही है सेल्फ लेने में, इस वजह से वो होएगी नहीं, उसमें चाहे कुछ भी कर लो वायरिंग की दिक्कत ठीक होएगी उसके बाद में होगी। तो घर आ गया, 4 बजने वाले, अभी आए हुए भी ना, नहाया ना धोया कुछ भी नहीं है। तो चलो अब खाते चावल और गाड़ी की बैटरी भी आया चार्ज होने के लिए, फ़ोन में बात कर रहा था इस माले, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी चावल खाते हैं, देखता हूँ बैटरी कब लाऊँ, सुबह लाऊँ या शाम को लाऊँ, जब भी सोच रहा हूँ अभी ले आऊँगा, शाम को ही ले आऊँगा बैटरी, क्योंकि अभी एक आध जने को और ला के दिखाता हूँ गाड़ी और क्या बताते हैं। तो तोतला हमारा मेरे बैठा देगा बढ़िया, तो नहीं चाल लाल तिल्लू होते ही अल दो दाल मेले होता है, लो अपने चाय दाल होता है तुम्हारे, यू ऐसे बोला है सीधा। तो गाइस, अभी बज गए 6:20, और अभी सो के उठा हूँ, क्या करूँ अपनी फेस की तरफ वीडियो, आप भी कहो के जाओ भाई नहाओ हो, पहले बाद में दिखा लेना मैं अपना फेस, इस मारी कह रहा हूँ, अभी सो के उठा हूँ, बाद में मिलते हैं, नींद आ रही है, अब भी कुछ पता नहीं, दोबारा सो जाऊँ। बस 4 बजे तो आया था, फिर सो गया था, 6:20 हो रहे हैं, तो चलो बैठते हैं, लेट हूँ अभी, लेट ही आऊँगा अभी, तो गाड़ी में कुछ करना है नहीं, क्योंकि बैटरी है नहीं, बैटरी लेके बैटरी चार्जिंग पर गई हुई है ना, तो जब तक चार्जिंग पे से नहीं आएगी तो कुछ हो ही नहीं सकता गाड़ी में से, तो बैठे हैं। तो भाई ये देखो, आज बने हैं भिंडी और आलू, ये देखो भाई, आज खाने में आलू के परांठे और छाछ, वो भी मलाई वाली, खाते हैं भाई चलो, टाइम 8:30। तो गाइस, अभी बज रहे 12 और अभी सोने का टाइम हो चुका है, 1:08 हो चुका है, रह रहा है, तो आपसे मिलते हैं सब नए लोगों के साथ, और कल गाड़ी भी ठीक करवानी, आज नहीं हुई गाड़ी में कुछ और तो बताइए, प्रॉब्लम बताइए, कुछ कर करवाएंगे देखते, अभी वायरिंग इशू बताया, वायरिंग इशू चेक करवाएंगे कल, तो अभी वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको नए वीडियो साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आज लाइट की वजह से खुलती नहीं है आज रात में, आप ये मत कहना कि नींद ज़्यादा आ रही है, नींद नहीं आ रही, नॉर्मल हूँ आज, बाय।